तो यहाँ पे मैं छोड़ने जा रहा हूँ निक्की को बोले घर पे दूसरी बार। इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे जा रही है। ये जाते भी है वहाँ, कहाँ जा रहे हो? ये रही निक्की गई बुआ के साथ, मैं भी चलता हूँ घर की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घर में बिजली का काम चल रहा है, वायर की फिटिंग हो रही है, सब कुछ फ्यूज वगैरह लग रहे हैं, तो अभी उसी के लिए कुछ सामान लेने जा रहे हैं। और आपको बताया कि गेहूँ में वो लार्वा से हो गए थे, तो उसके लिए ना लोहे के ड्रम में ज़्यादा गेहूँ यहाँ रखते हैं हम लोग, प्लास्टिक का ड्रम ले लेते हैं और उसमें धीरे धीरे करके दो दो कट्टे डाल दिया करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो और संभाल भी सकें हम लोग। एकदम पत्ते जैसा लग रहा है ना, देखा एकदम पत्ते जैसा लग रहा था ये। तभी मैं मार्केट में जा रहा हूँ, पापा का कुछ सामान लाना है, मतलब बल्ब वगैरह लाने हैं, होल्डर लाने हैं, स्विच लाना है, अब इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है तो ये सब लाना तो पड़ेगा ही ना। मैं जाता हूँ मार्केट से और ले आता हूँ, वैसे बहुत गर्मी हो रही है, अब देखिए देखो कितना पसीना आ रहा है। तो चलते हैं और सामान लेके आते हैं। इतनी देर लगा कि मैं सामान ले ही आया, और उसके बाद भी कुछ सामान रह गया, मतलब कुछ और सामान मंगा लिया मिस्त्री ने, तो वो भी लाना पड़ेगा। तो ऐसे ले जाना लाना वापस करना चलता ही रहता है जब तक तो काम चलता है। ऐसे बाहर से आया हूँ, मुझे गर्मी लग रही थी, मम्मी ने नींबू पानी दे दी, नींबू पानी पी के एकदम मज़ा आ गया, फिर जोश आ गया फिर से। मम्मी ने इसलिए नींबू पानी बनाया क्योंकि मम्मी खुद को पीना था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम एकदम मस्त हो रहा है, हवाएं चल रही हैं और पेड़ लहला रहे हैं। तो श्री दादी जी को छोड़ के आए थे उनके घर पे। वहाँ पीले पीले से बादल दिख रहे हैं और यहाँ काले बादल हैं। वहाँ पे पीले पीले बादल हैं क्योंकि सनसेट हो रहा है और पीछे एकदम काले बादल, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। मौसम एकदम जबरदस्त हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे मैं खा रहा हूँ निक्की ने बनाई थी ओरियो आइसक्रीम, जैसे खा लेते हैं, घर में सबको पसंद आई, ये मेरी बच गई थी, और आज अगर निक्की को पता लग जाता ना तो ये भी खाया थी, तो इसे खा लेते हैं आज। मौसम अच्छा है, सुहाना है, कुछ गर्म नहीं है, तो आज आइसक्रीम ही खा लेते हैं। तो आइसक्रीम एकदम ज़बरदस्त है, खा के मज़ा आ गया। ऐसा लगता है कि जो बाहर से हम आइसक्रीम लेते हैं 30-40 रुपये की चॉकलेट, उससे भी बेहतर लगती है, तो इसे खा लेता हूँ। उस टाइम थोड़ी याद आता है, तो मतलब आपको मजा आ गया। इतना मम्मी ने इतना सड़ा वो कैमरा पकड़ा था, जो उंगली वाली वीडियो में झूठ बोल रही मम्मी। तो मैंने पकड़ा, मैंने बनाई तो सही थी, तेरी शक्ल उंगली, उसकी उंगली दिख, अरे दोनों की शक्ल नहीं दिखी, पीठ दिख रही थी मेरे को तो उसकी यही लग रहा था कि उंगली में लग चोट ना लग जाए, उसकी उंगली में कोई। हां वीडियो की खड़ी बनाई आपने, तो फिर मेरे को तो उसकी उंगली दिख रही थी। अब तारीफ करियो, लग सकी मेरी वीडियो बहुत अच्छी थी, मेरी वीडियो बहुत अच्छी बनाई मैंने, बोल सकता तू। मैंने अच्छे से रिकॉर्ड किया, तो मैं देखने आया था कि यहां पे लाइटें लग कैसी रही हैं, तो थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं कहीं पे वाइट और येलो जैसे बल्ब लगाते हैं, तो देख रहे हैं कहाँ पे क्या क्या करना है। यहाँ पीला बल्ब लगा दिया हमने, बंद है, और आज जिम बंद है, तो आज हम करें जिम की सफाई। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ, मैं ज़मीन से बहुत ऊपर हूँ, छत के पास हूँ एकदम, तो इन शीशों को साफ़ करना है मेरा काम अभी, तो इसमें सीमेंट निकालने, तो चलिए फटाफट इन शीशों को साफ़ कर देते हैं। सही है ना, पापा ने ये जो कल लोहे का ड्रम था ना उसको बेचने के लिए लगा दिया है, वो ना 4K नहीं है, वो 4 क्विंटल है असली में, जो भी लिख दिया आपने, ठीक है अपने लिख दिया था ना, यही है 4 क्विंटल क्यों होता है, क्यों क्यों लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं कि जिम में ऐसे सामान, जैसे ये साइकिल का सामान होता है, सीढ़ी वगैरह लेने लोग आते हैं, तो इनमें तो कोई खरीदता ही नहीं। जिम में सफाई चलिए कर लेते हैं, करते हैं सफाई, हमने कोई लेबर रखा नहीं काम करने के लिए।
तो चलिए सफाई कर लेते हैं, थोड़ी सी सफाई रह गई है तो कर लेते हैं। कार के लिए पापा पैसे इकट्ठे तो करे बोलते थे, वो इकट्ठे करने करने में 3-4 साल लग जाएंगे पापा को। ये जन्म तो मेरा बीबी इकट्ठे करने में जिंदगी निकल जाएगी। मतलब हम इतने बहुत स्लोली होता, हमारी इच्छाएं कम है बट चीजें धीरे धीरे करके लेते हैं, बट ले लेते हैं होती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करते हैं हम। एक ही चीज मेरे लाइफ में सबसे जल्दी हुई थी, मेरी जॉब की जॉब 11 पास की मैंने एग्जाम दिया, पास किया फर्स्ट टाइम में, जो सिलेक्शन हो गया मेरा। तो पापा ने यहाँ मेरे को ऊपर चढ़ा रखा है और मुझे ना ब्लोअर मारना था पूरे में, पर बोर्ड ही खराब हो गया, अब ठीक करें। ये मुझे तो लगता है मैं रोज जाके संतरियों पे खड़ा होता रहता हूँ। इतनी देर में सारे काम हो जाना चाहिए थे और इतनी देर में भी एक काम नहीं पाया पूरा, अब शुरू भी नहीं हुआ काम। हाँ सही बात है, कई बार हो जाता है जिन कामों करने में से 5-10 मिनट लगने चाहिए थे उन कामों करने में आधा पौना घंटा लग जाता है, कभी कभी हो जाता है। कड़ी मेहनत के बाद पसीना टपके जा रहा है एकदम मस्त, लालू की कुछ भी बारी नहीं है, सफाई कर रहे हैं उसमें पसीना आ रहा है, मतलब बारिश हुई है बाहर तो उसे गर्मी निकलती है जमीन से नीचे से। हमने जिम में इतने बहुत ऊपर चढ़ा है, बच्चे चढ़ने से डरते हैं, उनको ऊंचाई से डर लगता है, चढ़ते नहीं जल्दी से, चाहे उनका बैलेंस नहीं होता। ये अभी देखना है इसमें से कितनी मिट्टी आने वाली है, बहुत सारे तूफान आने वाला मिट्टी का। खतरनाक पसीना हो गया और यहाँ पे हमने शीशे को भी बदलना है, जिम में शीशे को इधर उधर लगाना है कि कई शीशे की जैसे जिम में सेटिंग बदली है तो कई शीशे यहाँ से वहाँ जाएंगे और बदलेंगे, तो आपको दिखाते हैं शीशे निकाले कितनी मिट्टी है पीछे, शीशे के पीछे था ना सफाई कर ही नहीं पाते थे, जो कि इतना गंदा रखते हैं असली में बहुत सफाई करते हैं, ये कि शीशे के पीछे था इसको हम साफ कर ही नहीं सकते थे। खदरा है एकदम, कुछ पुट्टी भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम खदरा है, तो हाथ में कपड़ा लगा के फिर भी थोड़े छिड़ गए हैं और जैसा कि आप देख ही सकते हो कि पसीनों में लपत हुए पड़े हैं। तो शाम से बिल्कुल रात हो चुकी है, 10 बज गए हैं, तो ऊपर चलते हैं नहाते हैं दोबारा से, क्योंकि गंदा होगा मिट्टी पूरा, ड्रिल से होल किया तो सारी मिट्टी उड़ के ना शरीर में घुस गई है, तो ऊपर जाके नहाते हैं और फिर रेस्ट करता हूँ, शायद और एडिटिंग भी करनी पड़ेगी, एडिटिंग करते हैं।